हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 14 मार्च 2024, एक बार फिर मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए सेशन के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये है बांसुरी। फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है? भारत राइस। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंश्योर फेयर एंड जस्ट पब्लिक। भारत में म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है? 1643 किलोमीटर। भारत में म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? टू अलाउ पीपल टू वेंचर 16 किलोमीटर इंटू ईच अदर्स टेरिटरी विदाउट डॉक्यूमेंट्स। भारत सरकार भारत में म्यांमार सीमा पर बाड़ क्यों लगा रही है? टू कर्ब इन सर्जेंस एंड स्मगलिंग। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है? सैटेलाइट बेस्ड GPS। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली की नई व्यवस्था के तहत कैसे कटेगा टोल शुल्क? डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम बैंक अकाउंट्स। गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे? मार्क फिलिप्स। कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।